दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप वोटर आईडी कार्ड को ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का है तो आप दिल्ली में ही वोट दे सकते हो। अगर आप किसी और सिटी में शिफ्ट हो गए हो उस जगह का आपको वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो आप अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड को किस तरीके से ट्रांसफर करके अपने नए घर का एड्रेस उस पे लगा सकते हो, उस जगह पे आप वोट दे सकते हो। तो सारा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड को किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्रोम ब्राउजर पे आना है। आप चाहे तो कौन सा भी ब्राउजर ओपन कर सकते हो और गूगल पे आपको सर्च करना है NVSP। ओके NVSP.in इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो चाहो तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो अभी हम नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पे आ गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका इस पे पहले से ही अकाउंट है तो आप अपना यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन हो सकते हो। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर न्यू यूजर पे आपको क्लिक करके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना रहता है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको सबमिट करना रहता है। यहाँ पे आपको आई हैव PIC नंबर पे आपको क्लिक करना रहता है, टिक मार्क करना है। यहाँ पे आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड सिलेक्ट करके आपको रजिस्टर करना रहता है। तो जैसे आप रजिस्टर वगैरह करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा पहले से ही अकाउंट है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अपना कैप्चा डाल के लॉग इन हो जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एक नया टैब ओपन होता है। तो सबसे पहले हमें अपना वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे फॉर्म 6 पे आपको क्लिक करना रहता है, पहले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज चूज करना हो तो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको हिंदी मलयालम इसमें अगर आपको चाहिए तो आप इसमें लैंग्वेज चॉइस करवा सकते हो। तो जैसे कि हमें इंग्लिश चॉइस करना है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे ही हमने लैंग्वेज चॉइस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आपको यहाँ पे अपना स्टेट चॉइस करना है। तो यहाँ पे जो आप स्टेट चॉइस करोगे वो आप नए एड्रेस का स्टेट वगैरह चॉइस करोगे, नए एड्रेस का जो आपको वहाँ पे शिफ्टिंग करना है वो एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको अपना जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना रहता है। जैसे कि स्टेट हमने चॉइस किया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चॉइस करना है। जैसे कि हम यहाँ पे अपना पुणे डिस्ट्रिक्ट चॉइस करवा देते हैं। और यहाँ पे असेंबली आपको चॉइस करना है, जैसे कि हम यहाँ पे अपना इंदापुर चॉइस करवा देते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास तो आपको यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हो तो आप इस पे क्लिक करवा सकते हो। अगर आपको अपना जो भी आपको वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर करना है नए एड्रेस पे तो आपको इस पे क्लिक करना रहता है। ओके तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना रहता है। जैसे कि हम अपना यहाँ पे नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना सरनेम डालना रहता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अपने जो भी लैंग्वेज रहता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे वो सही तरीके से कन्वर्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पे अपना जो भी टाइपिंग करके वो सही करवा सकते हो। ओके तो जैसे हम यहाँ पे अपना सरनेम डालेंगे। ओके सरनेम डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना रिलेटिव का एप्लीकेशन का नाम डालना रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे अपना फादर का नाम देते हैं, जैसे कि संजय, और यहाँ पे अपना सरनेम देते हैं। ओके वो सब डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशन में जो भी आपने यहाँ पे डालना रहता है उसका रिलेशन आपके साथ क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है। जैसे हम यहाँ पे फादर डालेंगे। अगर आपको यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 जनवरी को आपका कितना एज था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है, नहीं तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डायरेक्टली सिलेक्ट करवा सकते हो अपने कैलेंडर के हिसाब से। ओके तो आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको अपना जेंडर चॉइस करना रहता है। जेंडर चॉइस करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है वो आपको फिलअप करना रहता है, जैसे कि आपको हाउस नंबर क्या है, लोकेशन क्या है, विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, पिन कोड है कौन सा है, वो आपको यहाँ पे डालना रहता है। वो सब चीज़ें डालने के बाद आपको नीचे फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। सेम चीज़ें अगर आप परमानेंट एड्रेस ऊपर वाला है तो आप यहाँ पे टिक मार्क करके यहाँ पे वो सेम एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ई पिक्चर नंबर डालना, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना वोटर आई डी कार्ड नंबर यहाँ पे डालना रहता है। और नीचे की तरफ अगर आपके पास किसी फैमिली मेंबर का वोटर आई डी कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो फास्ट प्रोसेस के लिए।
वो सब डिटेल फिल करने के बाद आपको फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डालना रहता है। वो सब डिटेल फिल करने के बाद आपको फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे अपना फोटो आपको अपलोड करना रहता है। फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एज प्रूफ में आपको क्या क्या दे सकते हो, एज प्रूफ में आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, 10वीं का मार्कशीट दे सकते हो, इंडियन पासपोर्ट दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड भी आप दे सकते हो, इनमें से कोई भी आप अपलोड करवा सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ अपलोड करना रहता है, एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पे इंडिया का पासपोर्ट, यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड करवा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का स्टेटमेंट या पासबुक की फोटो आप अपलोड करवा सकते हो, रेशन कार्ड या इनकम टैक्स का जो भी आपका आईटीआर रहता है वो आप अपलोड करवा सकते हो, या रेंट एग्रीमेंट भी आप अपलोड करवा सकते हो, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल, या पोस्ट ऑफिस जो भी आपके पास गवर्नमेंट का जो भी आईडी कार्ड रहता है वो आप यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आप अपलोड करवा सकते हो। ओके, ये सब डिटेल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से डिक्लेरेशन देना पड़ता है, जैसे कि आपको एक अपना जो भी आपके यहाँ पे आपको अपने पुराने एड्रेस का सारा डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना रहता है, जैसे कि आपका विलेज कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पे स्टेट कौन सा है, हाउस नंबर क्या है, विलेज कौन सा है, पिन कोड क्या है आपका, असेंबली कौन सा है, एरिया कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपको सब सारा डिटेल यहाँ पे फिल करना रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्लेस डायल करना रहता है, यहाँ पे आपको अपने प्लेस का नाम डालना रहता है, यहाँ पे आपको डेट ऑटोमेटिकली ले लेता है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे जो कैप्चा दे रहता है उसको फिल करना रहता है, यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करवा सकते हो। सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, रेफरेंस नंबर आपको कहीं पे लिख लेना है। ओके, जैसे आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा उसके बाद आप अपने जो भी एप्लीकेशन किया रहता है उसको आप ट्रैक किस तरीके से करवा सकते हो, इसके लिए आपको फिर से होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपके जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना रहता है। उसके बाद आप यहाँ पे रेफरेंस जो आपको रेफरेंस नंबर दिया रहता है वो आपको यहाँ पे डालना रहता है, रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपको ट्रैक स्टेटस पे आपको क्लिक करना रहता है। जैसे आप ये सब चीजें करोगे तो आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पता चल जाएगा।